हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग और टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल के लिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या आपको पता है? अगर कोई पूछे कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, लैपटॉप को हिंदी में क्या कहते हैं, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, वेबसाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, स्मार्टफोन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे अमेजिंग और टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरीके से कंप्यूटर रिलेटेड और सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अगर हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, संगणक यानी कि गणना करने वाला यंत्र, उसे हम संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। और गाइस, अगर हम बात करें कैलकुलेटर की कि कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कैलकुलेटर को हिंदी में गणक कहते हैं। गणक, गणक का मतलब होता है गणना करने वाला यंत्र, जिसे हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसे हम कैलकुलेटर कहते हैं। और गाइस, अगर हम बात करें लैपटॉप की, लैपटॉप को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गाइस लैपटॉप को हिंदी में छोटा गणक कहते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है ये बड़ा होता है, लैपटॉप होता है ये छोटा होता है। तो गणना करने का काम कंप्यूटर भी करता है, कैलकुलेटर भी करता है, लैपटॉप भी करता है। तो इसीलिए कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, कैलकुलेटर को गणक कहते हैं, लैपटॉप को छोटा गणक कहते हैं। और गाइस, अगर हम बात करें इंटरनेट की, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गाइस इंटरनेट को हिंदी में भूजाल कहते हैं, इसको अंतरजाल भी कहते हैं और इसको नेटवर्कों का जाल भी कहते हैं। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और गाइस, इसके बाद में बात करें अगले वर्ड के बारे में जो कि हमारा वेबसाइट, तो वेबसाइट को हिंदी में जालस्थल कहते हैं, वेबसाइट को हिंदी में जालस्थल कहते हैं। और गाइस, इसके बाद में अगला वर्ड है हमारा टेलीफोन, टेलीफोन को हिंदी में दूरभाष कहते हैं, टेलीफोन को हिंदी में दूरभाष कहते हैं। और गाइस, इसके बाद में अगला वर्ड है हमारा मोबाइल, तो मोबाइल को हिंदी में चल दूरभाष कहते हैं। जो हमारा टेलीफोन होता है वो एक जगह पर स्टेबल होता है, मोबाइल को आप इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से, तो इसीलिए मोबाइल को हम चल दूरभाष कहते हैं। और जो हमारा टेलीफोन होता है जो हम ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं उसे हम दूरभाष कहते हैं। ऑलराइट गाइस, आगे चलते हैं। आगे गाइस, अगला पर लिखा है कीबोर्ड, कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी बटन बोलते हैं। कंप्यूटर में जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं उस कीबोर्ड को कुंजी बटन बोलते हैं। कुंजी बटन इसलिए क्योंकि कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कुंजियाँ होती हैं, कीज होती हैं, इसीलिए कीबोर्ड को कुंजी बटन कहते हैं। इसके बाद में गाइस अगला वर्ड है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन को हिंदी में चलवासी यंत्र कहते हैं, स्मार्टफोन को हिंदी में चलवासी यंत्र कहते हैं। अगला वर्ड है हमारा टेलीविज़न, तो गाइस टेलीविज़न को हिंदी में चित्रपटल कहते हैं। जो घरों में हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी को हिंदी में चित्रपटल कहते हैं। अगला वर्ड है हमारा इनपुट और आउटपुट, जो गाइस कंप्यूटर में हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ते हैं तो उस इनपुट और आउटपुट को हिंदी में आगम और निर्गम कहते हैं। इनपुट को आगम कहते हैं, आउटपुट को निर्गम कहते हैं। और दोस्तों, जो हमारे कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं तो जो डिवाइस होता है डिवाइस को हिंदी में युक्ति कहते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस है तो आगम युक्ति और आउटपुट डिवाइस है तो निर्गम युक्ति। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में गाइस अगला हमारा वर्ड है इंटरफेस, इंटरफेस को हिंदी में परिवेश कहते हैं या वातावरण कहते हैं। आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो वो सॉफ्टवेयर जो खुला होता है, जो विंडो आपको दिखाई देती है, उसी विंडो को, उसी को हम लोग इंटरफेस बोलते हैं और इंटरफेस को हिंदी में परिवेश या वातावरण कहते हैं। इसके बाद में अगला हमारा वर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम। वेल गाइस, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होगा। जैसे हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या स्मार्टफोन्स में हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में परिचालन तंत्र कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में परिचालन तंत्र भी कहते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लर्न कंप्यूटर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।